उसके कारण देख सकते हैं डायरेक्ट हो गया है कि आपको इतना कीड़ा जो घूमने का जगह, बाकी सर्विस कॉस्ट कितना आता है, जिसके अंदर कीड़ा रहता है ना उसको थकावट से कोई मतलब नहीं है, बस गाड़ी उठाना है चल देना है। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्त। आज ऐसी गाड़ी है हमारे पास ना, रॉयल इनफील्ड की तरफ से क्लासिक, जो कि बहुत ही जानी मानी गाड़ी है। और ये गाड़ी कितनी चल चुकी है मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। 2 साल में गाइज ये गाड़ी जो है ना 57,000 किलोमीटर के आसपास चल चुकी है। एक बार मीटर को मैं आपको शो कर देता हूँ, 57,636 किलोमीटर जो है ना अभी तक ये गाड़ी 2 साल में चल चुकी है। उसके कारण देख सकते हैं डायरेक्ट हो गया है कि वेब डिजाइनिंग की है, मीटर ऑन है फिर भी चाबी जो है ना निकल जा रहा है। मतलब सोच सकते हैं गाड़ी कितनी चली है 2 साल में। काफी लॉन्ग टूर हुए इस बाइक से, तो इस गाड़ी का ओनरशिप रिव्यू हम करने जा रहे हैं और मिलाते हैं अपने सौरभ भाई से। तो हेलो सौरभ भाई, कैसे हैं? बढ़िया, मस्त, आप कैसे हो? बहुत बहुत बढ़िया। और तो बताइए कैसा, मतलब कि गाड़ी का रिस्पॉन्स है रोड पे अगर लेकर के चलते हैं तो? इस गाड़ी से खरीदने से पहले कौन कौन सी गाड़ी आप देखे थे? एक्चुअली मैं तो पहले चलाता था नॉर्मल ही बाइक, जैसे आपका पल्सर हो गया, 150 स्कूटी, और भी बहुत सारे बाइक मैंने चलाया, बट मुझे पता चला रॉयल इनफील्ड, ठीक है, तो मेरे भाई ने रेकमेंड किया कि ये वाला बाइक सक्सेसफुल है। और भी सारे बाइक थे इसमें, बट मेरे हाइट के भी अनुसार और मेरे वेट के अनुसार ये मेरे लिए परफेक्ट है, ठीक है। और इसका राइड करने पे भी मजा आता है पूरा। आपको इतना कीड़ा जो घूमने का जगह, वो कहाँ से? एक्चुअली बचपन में मैं देखता था लोगों को कोई राइड करते हुए जाते थे, हाय हेलो ये सब, मतलब फ्लैग ऑफ, मतलब सारा, मतलब राइडिंग गियर में मस्त लगता है, एक नंबर लगता है कि हाँ आप राइडर हो, कहीं भी जाने के लिए सक्षम हो। कोई चैनल वगैरह अभी तक बनाए हैं कि ऐसे ही अपना सोलो ट्रैवलर? सोलो ट्रैवलर है बस, इंस्टाग्राम पे मेरा है आईडी, यूट्यूब है बट उतना भी काम है करता नहीं, मतलब इंस्टाग्राम पे ऐसे ही नॉर्मली रील्स वगैरह डालते नॉर्मली। तो क्या परफॉर्मेंस है बाइक का अभी, इतना किलोमीटर चलने के बाद क्या कैसा लग रहा है बाइक का अभी? परफॉर्मेंस के लिए तो 10 of 10 है, कोई दिक्कत नहीं है आज तक अगर मेरे साइड से, तो अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई बड़ा मेजर इशू है इसमें, कोई सर्विस वगैरह, कोई पार्ट्स वगैरह बड़ा चेंज हुआ उसमें? बड़ा ऐसा तो कुछ नहीं है, सब तो माइनर चीज है, नॉर्मल चीज ही है, सब शॉकर वायर सब चेंज, नॉर्मल शॉकर ऑयल वगैरह इतना किलोमीटर चलने के बाद अगर होता है जो शॉकर ऑयल वगैरह चेंज करना पड़ता है। और टायर वगैरह इसका कभी चेंज कराया कि नहीं? टायर मैंने करवाया था एक बार, फ्रंट और रियर दोनों चेंज करवाया था, और कंपनी से ऑयल फिटिंग इसमें आता है। हां हां, टायर जो है वो सिर्फ चेंज इसमें नजर आएगा, बाकी सर्विस कॉस्ट कितना आता है? पेट सर्विस ही होता होगा अभी तो? हाँ पेट सर्विस में जाती है, बट वही अपना 2,000-3,000, उससे ज्यादा नहीं जाती है। 2,000-3,000 के आसपास सर्विस किट का जो सर्विस किट का लेबर चार्ज वगैरह। अगर बात करें इस गाड़ी से कहाँ कहाँ मतलब टूर किया है आपने? मैं लगभग लास्ट राइड तो मैं सबसे ज्यादा गोवा ही गया था, जो कि अप एंड डाउन 5,000 किलोमीटर था। और नॉर्मल झारखंड हो गया, देव, मतलब ऑलमोस्ट झारखंड, बिहार भी ऑलमोस्ट हाफ, मतलब कहीं भी जाना हो ना। कितने दिन का टूर था आपका गोवा वाला? वो 15 दिन का टूर था। 15 दिन का? हाँ। क्या दिक्कतें आई उसमें, हैंडलिंग वगैरह कैसा है इसका, ब्रेकिंग वगैरह कैसा है? ब्रेकिंग भी ठीक है, और एक्चुअली मैं तो ज्यादा एबीएस पे ही बाइक चलाता हूँ, ब्रेक तो उतना मारता हूँ नहीं। और हैंडल का इशू था थोड़ा बहुत जब ऑफ रोडिंग में, वाइब्रेशन वगैरह? वाइब्रेशन तो है नहीं, मैं तो देखा हूँ पहली वाली जो क्लासिक आती थी ना उसमें काफी वाइब्रेशन। हाँ इससे पहले वाली में नया इंजन जे सीरीज जो लाया है जब से कंपनी, वाइब्रेशन एकदम बिल्कुल खत्म कर दिया, हैंडलिंग भी काफी अच्छा कर दिया पहले से, तो ये चीज। इस बाइक में वाइब्रेशन का इशू नहीं है, ग्राउंड क्लियरेंस का कोई इशू इसमें आपको? हाँ थोड़ा बहुत तो ये थोड़ा बहुत है ना। पहाड़ वगैरह कहीं किए कि नहीं पहाड़ी में? ये जाने लायक है ही नहीं पहाड़ी पे, ये आपका ग्राउंड क्लियरेंस जाएगा ही नहीं, वो तो गिर जाएगा बाइक। बहुत लोग ले करके जाते हैं बट थोड़ा सा रिक्सी हो जाता है ना। हाँ थोड़ा सा है ना, ऑफ रोडिंग के लिए हिमालयन बाइक है। ओके, बाकी सीटिंग कंफर्ट वगैरह कैसा, अकेले चलते हैं या फिर अकेले ही साथ में किसी? अकेले ही चलते, सोलो सोलो। सीटिंग कंफर्ट कैसा है? एक नंबर, मतलब सीटिंग कंफर्ट मजा आ गया। मैं 5000 किलोमीटर करके आया, मुझे पता ही नहीं चला कि मैं, थकावट भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं, मतलब लगा ही नहीं कि मैं, भाई साहब इतना आदत है ना लॉन्ग ट्रैवलिंग करने का, ऐसे लोगों को थकावट कहां से होगी, मतलब कीड़ा है इनके अंदर घूमने का, तो भाई थकावट कहां से आएगी, जिसके अंदर कीड़ा रहता है ना उसको थकावट से कोई मतलब नहीं है, बस गाड़ी उठाना है चल देना है। क्या माइलेज वगैरह क्या दे रही है गाड़ी आपकी? माइलेज वही 35-30 के अप्रोक्स। हाईवे पे? हाँ हाईवे पे 35। क्या स्पीड रहता होगा आपका, कितना स्पीड मेंटेन करता है? 110-120 लास्ट। 110-120 मेंटेन करता है हाईवे पे? बिल्कुल। वाह भाई, पहले जो था गाड़ी जो आती थी क्लासिक
वो तो 100 जाते जाते मतलब गाड़ी एकदम बहुत ज्यादा मतलब बबलिंग करता है और वाइब्रेशन भी करता रहा, बट अब जो का कारण जो है वो खत्म हो गया है, उसके कारण जो है ना 120-110 आराम से चला जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। हाईवे पे अगर चलते हैं तो हेडलाइट का जो थ्रो वो कैसा है? वो सक्सेस नहीं है, मुझे उसी के लिए अलग से ये फॉग लाइट लगाना पड़ेगा। मार्केट जो है वो फॉग लैंप इंस्टॉल करा है ना? ओके, मतलब कि उतना ज्यादा थ्रो जो है वो ज्यादा अच्छा नहीं है, इसके लिए आप साइड से इंस्टॉल करवा लिए हैं। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। डिस्क पैड वगैरह जो है वो चेंज हुआ है, क्लच प्लेट का भी चेंज वगैरह? क्लच प्लेट, हाफ क्लच प्लेट का काम हुआ था तो चेंज मैंने करवा दिया। अच्छा, हाफ क्लच प्लेट काम आया था तो पूरा क्लच प्लेट आपने चेंज करा दिया 50,000 किलोमीटर के बाद। 50,000 किलोमीटर के बाद ओके। चैन स्पोकेट वगैरह? हाँ, मैंने दो बार चेंज करवाया। चैन स्पोकेट उसमें क्या कॉस्टिंग वगैरह एप्रोक्स आया होगा? 3,500 के आसपास। मतलब कि ये है जो कि आपका पार्ट्स वगैरह भी है ना रॉयल एनफील्ड का, उतना भी ज्यादा कॉस्टली नहीं है जितना ज्यादा लोग सोचते हैं। ये था कहानी रॉयल एनफील्ड क्लासिक रिबॉन की। और किस किस को रिकमेंड करिएगा इस बाइक को लेने के लिए? मुझसे पूछेंगे तो मैं तो यही बाइक बोलूंगा। एक्चुअली मैंने रिकमेंड भी किया, मैंने एक फ्रेंड को जो कि बेतिया में रहता है वो, तो उन्होंने जाके सडनली बाइक यही वाला सेम बाइक मेरा। अच्छा, सेम बाइक सेम कलर के साथ, मतलब इतना पसंद आ गया गाड़ी आपको कि अपने फ्रेंड को भी दिलाने लगा। वो बार बार मेरे से फीडबैक लेता था कि अच्छा, भाई तुम इतना चलते हो, क्या है फीडबैक, क्या परफॉर्मेंस क्या है। तो मैंने बताया अपना, जो मैं जो चलता हूँ वो मैंने बताया, तो उसे लगा कि हाँ सही है। तो उन्होंने भी खरीद लिया बाइक को। तो ओवरऑल ये जो वीडियो देख करके ना आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आप लोगों को बाइक लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। मिलते हैं और किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। बाय बाय। बाय बाय। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें।